नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल VGR Blogs में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को लगातार जो बनारस में विकास कार्य हो रहे हैं मैं आपको दिखाता रहता हूं। और दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को एक विकास का कार्य दिखाने वाला हूं, वो देखकर निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग प्रशंसित होंगे। क्योंकि दोस्तों, जो भी साफ़ सफाई या फिर सुंदर चीज़ों को पसंद करता है, मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर पर आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो इसी सिलसिले में दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ वाराणसी में स्थित एक नदेसर करके जगह है, जहाँ पे एक तालाब का निर्माण किया गया है दोस्तों। और इस प्रोजेक्ट के जरिए दोस्तों, जो यहाँ की सूरत और सीरत है उसको टोटल तरीके से बदला गया है। तो वही दिखाने के लिए दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो आगे की जो जानकारी है दोस्तों, मैं आप लोग को आगे वीडियो में दूंगा। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो में निरंतर बने रहें, ताकि आपसे कोई जानकारी जो है वो छूट न जाए और जो इसके मनोहारी जो दृश्य हैं वो आप मिस न कर दें। तो आइए दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो हम लोग शुरू करते हैं और मैं आपको आगे की जानकारी देता हूँ। नमस्कार, आप अपना शुभ नाम बताइए। कमल नारायण सिंह। सर जी, ये बताइए कि जैसे ये जब प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, तो इससे पहले यहाँ की जो परिस्थिति थी वो आप अगर इसके बारे में चाहें तो आप बता सकते हैं। ये पूरा कचरे से भरा हुआ था, इसमें नगर निगम का पूरा कूड़ा आता था और केवल कूड़ा था, जो साफ करते करते तकरीबन 8 महीने लग गए। उसके बाद फिर इसके सिविल वर्क का प्रारंभ हुआ और अब यह आपके सामने है। जी अच्छा, ये बताइए कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी लगभग लागत जो होगी अनुमानित आप कितनी मतलब बता पाएंगे? 3.5 करोड़। जी, और यहाँ पर जैसे जब आप लोगों ने काम शुरू किया होगा तो निश्चित तौर पे आपको कुछ समस्याएं भी आई होंगी, जैसे यहाँ पर जो कब्जा वगैरह होगा या उसको हटवाने में समस्या, जो कब्जे वगैरह आए थे इसको प्रशासन ने पहले तोड़ फोड़ किया, उसके बाद फिर हमने कार्य प्रारंभ किया। जी, और जैसे कि मतलब मान लीजिए जो जो यहाँ पे अभी जो पार्क का उद्घाटन है वो तो सुनने में आया कि मोदी जी करेंगे 23 को, तो जो पार्क की जो टाइमिंग होंगी और मतलब किड्स प्ले एरिया वगैरह यहाँ पे बना हुआ है, तो बच्चों के अलावा जो माता पिता हैं उनके उनके लिए भी क्या कोई अलग से सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं? देखिए, बच्चों के लिए किड जोन बने हुए हैं और जवानों के लिए वहाँ पे जिम बना हुआ है और जो बुज़ुर्ग हैं उनको टहलने के लिए पूरा पाथवे है 350 मीटर का और जगह जगह बेंचेस लगे हुए हैं जी, ताकि वो आराम कर सकें। और इसमें 5 रूफ बनेंगे ताकि अगर बरसात हो जाए, धूप हो जाए तो वहाँ रुक सकें। और 6 दुकानें हैं फूड जोन की, जिसमें जूस वगैरह और जो भी फ्रूट होंगे वो बिकेंगे। अच्छा, ये टोटल जो एरिया है मतलब ये कितना होगा? 4.5 एकड़। 4.5 एकड़ में ये बना है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी जो मैं आपको एरिया दिखा रहा हूँ, ये दोस्तों जो नदेसर तालाब का जो सुंदरीकरण किया गया है, ये देखिए दोस्तों, ये मुख्य गेट है दोस्तों नदेसर तालाब एवं पार्क यहाँ पर अंकित है। और इस पे जो आप सीनरी देख रहे हैं दोस्तों, ये जो चित्रकारी देख रहे हैं, ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से इसको बिल्कुल इसका कायाकल्प कर दिया गया। दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, इस जगह जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि यहाँ ये स्थिति थी कि कोई भी व्यक्ति मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते थे। और ये देखिए दोस्तों, यहीं पे नगर निगम का ऑफिस भी है, बिल्कुल जस्ट इसके पीछे ये पार्क बना है जो वाराणसी नगर निगम है उसके जस्ट पीछे। दोस्तों, हम लोग पार्क के अंदर आ चुके हैं और सबसे पहला काम मैं करता हूँ दोस्तों, आपको पहले एक व्यू दे देता हूँ, जिससे आपको इस पार्क की जो सुंदरता है उसका एक अंदाज़ा मिल सके। ये देखिए दोस्तों, जो सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें फव्वारे लगे हुए हैं, ये देखिए। पहले मैं दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ पूरा व्यू, फिर दोस्तों मैं चलते चलते दिखाते हुए ही आपको पूरी जानकारी दूंगा। पहले आप दोस्तों एक बार एक नज़र देख लीजिए कि ये कैसा दिख रहा है इस वक्त की जो परिस्थिति है वो क्या है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ कि इस परियोजना का भी 23 दिसंबर को ही मोदी जी द्वारा लोकार्पण होना है, जो कि रिमोट विधि द्वारा वो अपनी जो जनसभा करेंगे वहाँ से करेंगे।
तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस वक्त बनारस में चल रही है बहुत सारी परियोजनाएं जिसको हम लोग लगातार अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाते रहते हैं। तो उसी की एक कड़ी में दोस्तों ये जो नदेसर एरिया पड़ता है वाराणसी में दोस्तों, उसका पुनरुद्धार किया गया है इस तालाब का। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको इसकी जो पुरानी स्थिति है वो बताता हूँ। दोस्तों आपको मैं सच बता रहा हूँ, ये जो जहाँ पे हम लोग ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर दोस्तों किसी का खड़ा होना मुश्किल था। यहाँ पर ये स्थिति थी दोस्तों कि यहाँ पर जो कूड़ा रहता था वो पूरा कूड़े से ये भरा हुआ था। बड़ी बड़ी यहाँ पर घास जमी थी और यहाँ से मतलब आपका गुजरना मुश्किल था। अगर आप यहाँ से गुजर जाते ना तो मतलब समझ लीजिए कि नाक बंद किए बिना आप गुजर नहीं सकते थे, इतनी भयावह स्थिति थी। तो दोस्तों सदियों तक किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा, ये ऐसे ही यहाँ पे कूड़ा सड़ता रहा। अब जाके दोस्तों मेरे को लग रहा है कि यहाँ के लोगों ने बहुत पुण्य किया होगा, तब जाके ये जो है इसके बारे में सरकार या प्रशासन ने सोचा। और इसका देखिए कितना ज़बरदस्त इसमें चेंजेस आए, आप स्वयं देखिए दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर इसीलिए दिखाने आया हूँ दोस्तों, मेन मुद्दा मेरा यही था। क्योंकि बाकी चाहे ये लोग काम करें ना करें वो दोस्तों बात की बात है, लेकिन जो एकदम ज़रूरी चीज़ है ना, सालों से जिसका कभी किसी चीज़ पे ध्यान न गया हो, ऐसी चीज़ें जब दोस्तों इस रूप में ढल के आती हैं तो अंदर से प्रसन्नता होती है। मैं मानता हूँ दोस्तों कि हो सकता है कि कई चीज़ें हम लोगों से मतलब हो नहीं पाती, हम लोग बता नहीं पाते, जता नहीं पाते, अपनी जो वेदना है उसको सही से मतलब सही जगह तक नहीं पहुँचा पाते। लेकिन दोस्तों चलिए देर आए दुरुस्त आए, और ऐसा कहा भी गया है कि अगर बाद में जो काम लेट से होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों आप स्वयं देखिए वही अच्छा काम मैं आप लोगों को दिखाने आया हूँ। ये जो एरिया आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बच्चों के खेलने के लिए प्ले एरिया बना हुआ है यहाँ पर, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों इस पार्क से जुड़ी जो जानकारियाँ थी, जो टेक्निकल जानकारी थी, जैसे कितने में ये बना है, जैसा कि उन्होंने बताया कि 4 एकड़ में बना है, जो थे वो कॉन्ट्रैक्टर साहब थे यहाँ के जिन्होंने ये पार्क का निर्माण कराया है। उनकी कंपनी है मेसर्स कमल नारायण सिंह करके उनकी कंपनी है। तो उन्होंने जो इसकी कार्यदायी संस्था है दोस्तों वो है वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड। उसी स्मार्ट सिटी योजना के तहत दोस्तों इसका पुनरुद्धार कराया गया है। कायाकल्प आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर लग रहा है दोस्तों, आप स्वयं देखिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि ये जो वीडियो मैंने शूट की है यहाँ की, ये दोस्तों मैंने दिन और रात दोनों में की है। तो आप लोग से निवेदन है कि ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो में कुछ ज़रूरी पहलू भी है जिसके ऊपर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। क्योंकि दोस्तों देखिए अगर कोई अच्छा काम हो रहा है और उसके साथ अगर कोई दूसरा पहलू भी जुड़ा हुआ है तो हमारा धर्म ये है कि मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊँ। निर्णय आप लोगों का है कि कौन सही है कौन गलत है वो आप तय कीजिएगा दोस्तों, मैं उस पर अपनी कोई कमेंट नहीं दूंगा। लेकिन मेरा धर्म यही है कि मैं हर पहलू को दिखाऊं। तो आप लोगों से निवेदन है दोस्तों कि वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैंने उनका पक्ष भी रखा है जो यहाँ पे समस्याएं हैं। ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं, आपको ये जो पानी में आपको काई दिख रही होगी, ये दोस्तों ये पूरे तालाब में ऐसे था पहले। कितना भी आप सफाई कर लीजिए दोस्तों लेकिन वो चीज़ रहती है। तो उसी के लिए दोस्तों यहाँ पर फिल्टर लगाया गया है, मतलब वहाँ पर जो बीच में पंप के ज़रिए उसको फ़िल्टर किया जा रहा है दोस्तों, तो उससे पानी की सफाई हो रही है अभी। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये ओपन जिम है जिसमें ये बच्चा जो है खेल रहा था। तो इसने कहा कि सर मुझे भी मेरा भी जो शूट है वो कर लीजिए, तो मैंने इसे निराश नहीं किया क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। ये देखिए दोस्तों आपको जो दीवार पर जो चित्रकारी की गई है ओपन जिम में, जिससे कि लोगों को मोटिवेशन मिले, इस प्रकार की चित्रकारी की गई है, आप स्वयं देखिए दोस्तों। और बनारस की जो संस्कृति है उसको भी दर्शाया गया है, BHU का भी दृश्य था। ये देखिए दोस्तों इस वक्त है हम लोग ओपन जिम में, और ये जो एरिया है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है। आइए दोस्तों पार्क में खेलने वाले कुछ बच्चों से बात करते हैं और उनसे सुनते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। आदर्श। आदर्श ये बताइए कि आप इसमें जो पार्क है, ये पार्क की जो पहले स्थिति थी वो मतलब ये देखने में कैसा लगता था? देखने में बहुत गंदा लगता था पहले, और बहुत साफ सफाई नहीं था पहले। यहाँ पे दलदल उलदल था, पूरा झाड़ी फाड़ी था, यहाँ पे जब जानवर भी नहीं आते थे। मोदी के राज में पूरा बन गया है तो इंसान भी आएंगे अब। तो जैसा कि मैं आपसे समझ पा रहा हूँ कि ये जो पार्क पहले था यहाँ पर स्थिति जो है बहुत ही दयनीय थी,
और ये जो काम हुआ है, तो ये जो मतलब नया ये काम हुआ है, तो ये देख के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। योगी के राज में इतना बन गया और कोई के राज में नहीं बन पाया था, कितने साल से सही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फीडबैक देने के लिए। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, इन दीवारों पर जो चित्रकारी की गई है दोस्तों, उसमें बनारस की जो संस्कृति है, ये देखिए दोस्तों, आप धमेक स्तूप का चित्र देख पा रहे होंगे। ये देखिए हर एंगल से दोस्तों, मैं आज इस चीज़ को मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये दोस्तों हो सकता है कि जिन्हों जो इसके बारे में नहीं जानते हो, उनके लिए इतना बहुत खास नहीं हो सकता दोस्तों, लेकिन जो यहाँ का रहवासी है उसको पता है कि यहाँ पर क्या स्थिति थी। आप सोचिए कि एक नर्क जैसे मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर स्थिति थी, उसको अब आप देखिए कि इसकी करंट परिस्थिति क्या है। आप स्वयं देखिए दोस्तों और स्वयं तय कीजिए कि ये आपको कैसा दिख रहा है। अब आप देखिए दोस्तों, हर तरफ से मैं चारों तरफ से घूम घूम कर पूरा नज़दीक से जो पूरा काम किया गया है उसको मैं बारीकी से आपको दिखाऊंगा दोस्तों। लेकिन साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका कुछ जो पहलू हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके लिए आपको वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहना है, ताकि आपसे वो जानकारी छूट ना जाए और आप उनका जो पक्ष है वो न जान पाएँ। ये देखिए दोस्तों, अब जो दोस्तों हैं ये रात की वीडियो मैंने शूट किया, आप स्वयं देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए होता क्या है कि जो दिन की वीडियो होती है उसके सीन अलग होते हैं, और जो रात की वीडियो होती है उसके जो सीनरी होती है वो अलग होती है। तो इसलिए मेरा इंटेंशन ये था दोस्तों कि जब यहाँ पे इतना सारा काम हुआ है और मैं सिर्फ दिन दिन में शूट करके चला जाऊँगा, तो आप लोग फिर जो रात की जो सुंदरता है वो दृश्य नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर आज जो दोस्तों ये लाइट नहीं जलने वाली थी, तो मैंने जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप प्लीज़ इसको ऑन करवा दीजिए, ताकि हम जो हमारे जो दर्शक हैं वो पूरी तरह से इसका एक उन्हें व्यू मिल सके और वो अंदाज़ा लगा सके इसकी ये जो निर्माण कार्य किया गया है विकास का, तो उसका एक प्रॉपर उन्हें व्यू मिल सके, जिससे वो समझ सकें कि किस क्वालिटी की निर्माण कार्य किया गया है और किस तरह से आने वाले दिनों में ये बनारस की जो गाथा है वो आने वाले पर्यटकों और जो भी बच्चे वगैरह यहाँ पे खेलने वगैरह के लिए आएंगे तो उनको सुनाएगा। तो आप स्वयं देखिए दोस्तों जो रात का नज़ारा है। मुझे दोस्तों अक्सर, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे रात के जो नज़ारे होते हैं इस तरह के रोशनी में नहाए हुए वो काफ़ी पसंद आते हैं। दिन में दोस्तों देखिए जो है कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद आए, लेकिन दोस्तों मुझे अक्सर रात के जो नज़ारे होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मुझे जहाँ तक लगता है कि हो सकता है बहुत सारे जो दर्शक होंगे उन्हें रात के नज़ारे अच्छे लगते होंगे, इसलिए दोस्तों मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था और पूरी तरह से आप लोगों को दिखाना चाहता था कि ये देखिए ये कैसा दिख रहा है। तो आप स्वयं देखिए देखिए दोस्तों, और आपको बता दूँ दोस्तों कि ये जो एरिया है ये चौतरफा, आपको बता दूँ कि ज़्यादातर जो आबादी है वो हमारे मुस्लिम भाई बहनों की है, तो उन लोगों के लिए भी दोस्तों जो यहाँ के आसपास के जो निवासी हैं उनके लिए एक बहुत मतलब जो समस्या से वो जूझ रहे थे उनसे उन्हें दोस्तों अब निजात मिल जाएगी, और अब जो यहाँ के जो बच्चे हैं और बाकी लोग हैं वो यहाँ पर अपना समय व्यतीत कर सकेंगे। दोस्तों इसमें अलग अलग तरह की सुविधाएँ आप देख ही सकते हैं, मैंने आपको चारों तरफ से दिखाया कि क्या क्या सुविधाएँ यहाँ पर मिल रही हैं, तो आप स्वयं देखिए। तो मैं यही कह रहा था दोस्तों कि अब पुरानी जो परिस्थिति थी उससे अगर कंपेयर किया जाए दोस्तों, तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये बहुत खास ना हो सकता है, कुछ लोग ऐसा भी कहें कि ये सब तो सिर्फ दिखावा है। दोस्तों एक चीज़ बताइए, कोई चीज़ अगर आपकी आपके घर में गंदगी पड़ी हुई है उसको साफ कर दिया जाए और थोड़ा अच्छा दिखने लगे तो उसमें क्या बुराई है दोस्तों? पर कुछ लोग पता नहीं क्यों एकदम नाराज़ रहते हैं, वो कोई अच्छा काम भी दिखाओ तो पता नहीं क्यों अजीबोगरीब कमेंट करते हैं दोस्तों, उनका क्या ही किया जाए। तो इसलिए मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग नाराज़गी को त्याग दें और जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं कम से कम उसमें साथ दें दोस्तों। सरकारें कोई भी आए कोई भी जाए, अगर कोई भी सरकार करती है तो हमें उसे पूर्णतया समर्थन करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो होगी वो यहाँ पर आके इन सुविधाओं का लाभ नहीं लेगी। जो सुविधाओं का लाभ लेना है दोस्तों वो हमें ही लेना है, हम जो रहवासी रहते हैं हम यहाँ पे हैं। कोई भी मोदी योगी या अखिलेश या मायावती कोई यहाँ पे आके इन सुविधाओं का लाभ नहीं लेता है, लाभ तो हमें ही मिलेगा ना। चीज़ें अच्छी रहेंगी तो ये तो हमारा घर साफ़ सुथरा हो रहा है ना, तो हमें इस चीज़ को समर्थन करना चाहिए दोस्तों। ये देखिए आपको मैं ये जो लाइट दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये लाइट कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी, तो इसलिए दोस्तों मैंने इसको कंटिन्यू शूट किया। आप देखिए येल्लो से ये
कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन में। तो दोस्तों आइए अब उस पहलू की तरफ बढ़ते हैं जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बात की थी, ताकि दोस्तों हम इनका भी पक्ष दिखाएं, हमारा यही धर्म है। आइए दोस्तों इनसे मिलते हैं। नमस्कार, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। राजकुमार नाम मेरा। आप यहाँ पर कब से कार्यरत हैं? मेरा ये कारखाना किस चीज़ का? अच्छा, गैरेज जी। तो ये बताइए राजकुमार जी कि पहले जो बनारस था, पहले ये जो मतलब ये जो विकास का कार्य हुआ है, इससे पहले यहाँ की जो स्थिति थी वो क्या थी? खराब तो थी ही, खराब थी जी। अच्छा काम हुआ है लेकिन बसते कुछ हम लोगों के साथ अत्याचार हुआ है प्रशासन ने। अच्छा, ये किया कि सिर्फ मेरा ही दुकान कारखाना तोड़ा गया, जबकि लॉकडाउन से पहले जी हम लोग के बिना पूछे मते प्रशासन तोड़ दिया। हमारे बच्चे, तीन तीन बच्चे ग्रेजुएशन करके, हाई ग्रेजुएशन करके नौकरी में ना करके इसमें बिजनेस में, हमारे प्रधानमंत्री का ये है कि भाई रोजगार करिए जी, रोजगार की ओर आगमन करिए। हम लोग रोजगार में जब काम करना शुरू किए तो ये लोग जो है हमारा तोड़ ताड़ के हमारे सारे बच्चे बेरोजगार। तो इसके लिए आपने जो आवाज़ है वो कहीं पे उठाई थी? मैं आवाज़ उठाने का मौका ही नहीं मिला, फिर मुझे कोर्ट से, हाई कोर्ट से मुझे स्टे मिला, मेरे पेपर वगैरह सब देखे, देखने के बाद मुझे वहाँ के जज ने मुझे स्टे दिया, तब इस पर मैं काबिज। और यहाँ का जो पीके द्विवेदी, ये मेन इनके जो है मिसगाइड नगर आयुक्त को करके जो पहले थे तभी ये तोड़ा गया, नहीं तो वो इनका नक्शा दूसरी तरफ तो हम लोगों को बचाते हुए हुआ था। उम्मीद करते हैं कि आपको जल्द से जल्द जो भी न्याय की प्रक्रिया है उसको, उसके तहत आपको पूरा न्याय मिले, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि कोई भी जो बनारस में व्यक्ति है वो हताहत ना हो किसी भी तरीके से। नहीं, हम लोग प्रधानमंत्री से हताहत नहीं है, प्रधानमंत्री अच्छे काम भी कर रहे हैं जी, ये नहीं है। हमारे बनारस का अच्छा विकास हुआ है, ये नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन बस सकते कुछ जगह प्रशासनिक तौर पर या दबाव में इन लोगों ने लोगों को, कुछ गरीब को या हम लोग दबे कुचले, हम तो दलित हैं, मेरा ही यहाँ पर तोड़ा गया है, सिर्फ मेरा ही तोड़ा गया। प्रोजेक्ट ये था कि पूरे लोगों का तोड़ा जाएगा, ये किया जाएगा, ओके। मुझे बिना पूछे मतलब मेरे पीछे से बुलडोजर कराए, मेरा पूरा मशीन पसीन तीन टब्बर जितने थे सब टूट कर किनारे हो गए, हम लोग बेघर हो गए, सामान भी हमारे पास पैसा भी नहीं इतना हो पाया कि हम कोई चीज़ कर पाए। आर्थिक स्थिति तो हमारी यही तोड़ दी, कमर तोड़ दी, बच्चे करें क्या करें जी, यही है। पढ़ने के बाद में आदमी बेरोजगार है, इंजीनियरिंग करने के बाद आदमी बेरोजगार है जी, वही होगा ना कि रोजगार कैसे मिलेगा, रोजगार अपना सेल्फ अगर करना चाह रहा तब भी उसको तोड़ दिया जा रहा है, कैसे चलेगा देश, ऐसा ही चलेगा? 10 लाख रुपया लगा के कोई इंजीनियरिंग पढ़ाएगा और उसके बाद उसके बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगा, अगर वो अपना करना चाहेगा तो उसको तोड़ दिया जाए, यही है, क्या किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लगातार जो है वो लाता रहता हूँ, तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो निश्चित तौर पे दोस्तों हमारे चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर और कमेंट कीजिए दोस्तों, जिससे कि आप लोगों की राय पता चलती रहे। और दोस्तों शेयर अगर आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी जो बनारस की जो ब्रांडिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक होगी। और इसी के साथ दोस्तों आज की जो वीडियो है उसे मैं समाप्त करना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।